दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम एंड सबट्रैक्ट। हमें इनको क्या करना, कॉलम में इनको, कॉलम का मतलब कि सीधे ऐसे में इनको अरेंज करना है और देन इनको सबट्रैक्ट करना है। तो हमारा क्या है, 645 फ्रॉम कितना, 8624 का हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो भाई कॉलम में लिखना है, तो सबसे पहले पीछे फ्रॉम, इससे माइनस होगा। कह रहा है 645 फ्रॉम इस 8624 माइनस 645, सॉरी। अब ये 4 है, ये 5 है, तो ये ग्रेटर है इससे, तो ये हम 1 यहाँ से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 14, यहाँ बच गया 1। 14 में से 5 गया 9। अब ये ग्रेटर है, स्मॉलर 1 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ बचा 5। ठीक है, 11 में से 4 गए, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ओके, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 1 यहाँ से ले लेंगे। 15 में से 6 गए, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचा था, 7, तो ये 7, तो ये कॉलम मेथड में हमने कर लिया। ऐसे हमारा है, सेकेंड हमारा है 249 फ्रॉम 3405, किससे करना, 3405 ऊपर लिखना पड़ेगा और माइनस 249 नीचे। अब वही, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो 1 यहाँ, ये 0 है, ये 1 यहाँ नहीं, तो ये यहाँ लेगा और फिर ये देगा इसको और ये देगा इसको, तो ये 15 हो गया, ये खुद कितना हो गया, 9, और ये 3 हो गए। अब 15 में से 9 गए, कितना बचेगा, 6 बचेगा, नहीं बचेगा। अब यहाँ 9 है, तो 9 में से 4 गए, कितना बचेगा, 9 में से 4 गए, कितना बचेगा, 5। यहाँ इसने इसको दिया, तो यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1, और ये 3, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, ऐसे हमारे पास 76 फ्रॉम इतना, तो थर्ड वाला, थर्ड पार्ट हमारा 6415 है, वो हमें कितना माइनस करना, 70, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 76। ठीक है, अब 15 में 6, ये वही, इसको 15 बना दो, ये 0 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 15 में 6 गए, कितना, 9। 10 में से 7 गया 3, ये 10 कैसे हो, यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसने 1 यहाँ दिया, ये 0 हो गया था, फिर इसने यहाँ दिया 1, तो ये 10 हो गए फिर। ठीक है, तो 10 में 7 गए 3, और 3 का 3, और ये 6 का 6, तो ये हमारा आंसर हो गए। ओके, थैंक यू।